नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश कुमार आठवीं बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ तो गए हैं, लेकिन अब उनकी नज़र 2024 के चुनाव की है में है और अब उनकी नज़र प्रधानमंत्री के पद पर बैठने की है। इन कयासबाजियों को अब इसलिए भी समर्थन मिल रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को छोड़कर जाने वाले जो उनके पुराने सहयोगी थे, वो जो दूसरे दल में शामिल हो गए थे, वो अब जदयू में वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो अब जदयू में वापस आकर नीतीश कुमार को सहयोग करना चाहते हैं जिससे वो 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि उनके उन सहयोगियों में से किसका नाम शामिल है और आखिर प्लानिंग है क्या। जदयू के में घर वापसी के में नया नाम पवन शर्मा का जुड़ता दिख रहा है, जो कुछ महीने पहले नीतीश से नाता तोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। राज्यसभा के पूर्व सदस्य पवन के वर्मा ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लगभग 9 महीने बाद शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जनता दल के पूर्व सांसद वर्मा पिछले साल नवंबर में टीएमसी में शामिल हुए थे। वर्मा ने ट्वीट किया, आदरणीय ममता जी, कृपया पार्टी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मुझे दिए गए स्नेह के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपके साथ हमेशा संपर्क में बने रहने का आशा करता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। वर्मा को दिसंबर 2021 में टीएमसी का राष्ट्र उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हालांकि इस साल फरवरी में नए पदाधिकारियों की समिति के गठन के बाद उन्हें पार्टी में कोई औपचारिक पद नहीं दिया गया था। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक वह पिछले कुछ महीने से पार्टी नेतृत्व से दूरी बनाए हुए हैं। वे टीएमसी में फिलहाल संगठन या पश्चिम बंगाल सरकार किसी भी पद पर नहीं है। यहां तक कि उनके राज्यसभा जाने की अटकलबाजी को भी 2 महीने पहले हुए चुनाव में झटका लगा, जब टीएमसी ने वर्मा को टिकट ही नहीं दिया। अब बिहार में तेजस्वी यादव की राजद के साथ मिलकर नीतीश कुमार के सरकार बनाने के बाद पवन वर्मा को टीएमसी ने इस्तीफा देना नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। माना जा रहा है कि वे फिर से नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे और जल्द ही वे जदयू में घर वापसी कर सकते हैं। हालांकि उनकी ओर से इस पर कुछ नहीं कहा गया है, इस बात पर कोई मोहर नहीं लगाई गई है। वे जदयू में रहकर सीएम नीतीश को अगला प्रधानमंत्री बनाने के जदयू के इस मिशन पर काम कर रहे हैं। हालांकि जनवरी 2020 में दिल्ली में जदयू के भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर पवन वर्मा नाराज थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार को अपनी आपत्ति जाहिर की थी। पवन वर्मा के मुताबिक निजी बातचीत में नीतीश कुमार हमेशा से मानते आए हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसी देश के लिए बेहद खतरनाक है और वो भी आरएसएस मुक्त भारत की परिकल्पना करते हैं। वहीं नागरिक साबित करने से जुड़े सीए के मामले में संसद में जदयू का समर्थन करने पर भी पवन वर्मा ने आपत्ति जताई थी। बढ़ती दूरियों के बीच पवन वर्मा जदयू से टीएमसी चले गए थे, लेकिन अब लगता है कि वे फिर से जदयू में आ सकते हैं। तो देखिए, 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके जो पुराने समर्थक थे वो अब वापस आ गए हैं उन्हें समर्थन देने के लिए। टीएमसी में गए पवन वर्मा वापस अब जदयू में आ गए क्योंकि टीएमसी में उन्हें कोई औपचारिक पद नहीं मिली थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि जदयू में आने के बाद उन्हें कोई औपचारिक पद भी मिल सकती है और नीतीश कुमार को वो मदद करेंगे 2024 के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी वीडियोस के लिए और भी न्यूज़ के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।